दिल्लीतल्या मुंडका मेट्रो रेल्वे स्टेशनाजवळील इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत 26 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या आगीत मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होते. 3 मजली इमारतीला दुपारच्या सुमारास आग लागली होती. या आगीची माहिती मिळताच पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आणि इमारतीत अडकलेल्या लोकांना खिडकीच्या काचा फोडून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. पण या आगीत आतापर्यंत 26 जण दगावल्याची माहिती आहे. यहाँ पर जो अंदर फंसे हुए हैं, जो उनके परिजन यहाँ पर काफ़ी देर से परेशान हैं, वो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं जो परेशान हैं कि किसी की बेटी, किसी की बहन यहाँ पर अंदर फंसी हुई है और पुलिस द्वारा उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, तो वो यहाँ पे आके गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो लोग हैं, वो अंदर फंसे हुए और अभी भी तीसरे मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तीसरे मंजिल पर काम जारी है, लेकिन तीसरे मंजिल से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि कुछ और बॉडीज़ निकाली गई है जो लगातार तीसरे मंजिल से, अब जो बॉडीज निकाली जा रही हैं वो तीसरे मंजिल से है, क्योंकि दूसरे मंजिल पे रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. यानी कि अभी भी लोग, हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पे है, पर तीसरे मंजिल पे अब ज्यादा काम चल रहा है क्योंकि उसका दूसरा इलाका अभी भी, आप देखिए हमारे साथ तस्वीरों में आपको धुआं दिख रहा होगा, हमारे साथ अब तस्वीरों में देखिए कि आपको धुआं धुआं की लपटें उस तरफ से दूसरी मंजिल की उस साइड से आपको दिख रही होंगी. यानी कि अभी भी तीसरे मंजिल का पिछला इलाका दहधधक रहा है, जिसकी वजह से अभी भी तीसरे मंजिल पे कुछ भी, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन अभी वहां से बॉडीज नहीं निकल पा रही, या फिर वहां पर पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पा रहा है क्योंकि एक हिस्सा जो है वो पिछला इलाका अभी भी जल रहा है. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.